हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे, अगर बच्चों के लिए छोटी मोटी पार्टी रखी है तो ये ट्राई कलर समोसा उन्हें ज़रूर खिलाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। समोसे के लिए सबसे पहले आटा गूंध लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे का यूज़ किया है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है, 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है, फिर थोड़ी सी कलौंजी डाल करके इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। मैदे के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ये देखिए फ्रेंड्स, मैदे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा फूड कलर मिला करके ट्राई कलर बनाना है। 3 पार्ट में मैंने वाइट कलर निकाल लिया है अलग। अब हमें यहाँ पे सैफरन कलर और ग्रीन कलर बनाना है। तो सबसे पहले ग्रीन कलर का फूड कलर इसमें डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आ गया है। अब इस ग्रीन कलर की लोई को एक साइड रख लेनी है, दूसरी लोई लेनी है, इसमें हमें डाल लेना है सैफरन कलर और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए कितना प्यारा सा सैफरन कलर आ गया है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन, सैफरन और वाइट कलर तैयार है। तो अब हमें समोसे के लिए स्टफिंग तैयार करनी है। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल में थोड़े से पीनट को फ्राई किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी ऑयल में मैंने पंचफोरन डाला है, बारीक कटा हुआ अदरक डाल लेना है, 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालना है, आधी मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डालना है, 1 तेज़पत्ता डाल लिया है, 1 पिंच हींग डालना है और अब गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है 1/2 टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया। और फिर इन सब चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करने के बाद अब हमें इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टेबल स्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और अब इसमें हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को क्रश करके डालना है। आलू को तोड़ करके ही यूज़ करना है, उसको मैश करके नहीं डालना है। फिर इसमें मैंने डाल लिया है नमक। नमक डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 1 मिनट तक के लिए भूनना है। यहाँ पर आलू को 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद मैंने 1/4 कप फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने फ्राई किए हुए पीनट डाले हैं और अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू को जैसे जैसे भूनेंगे इसमें से बेहतरीन सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून काला नमक डाला है जिससे कि हलवाई वाले समोसे का टेस्ट आएगा। और ये हमारा फिलिंग रेडी है। तो अब इसमें मैंने पनीर के क्यूब डाल लिए हैं, फिर बारीक कटा हरा धनिया डाल लेना है और अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। समोसे बनाने के लिए आलू की स्टफिंग रेडी है, तो इसे एक साइड ठंडा कर लेना है। और अब समोसे बनाने के लिए ये लोई भी सेट हो चुकी है। तो सैफरन कलर उठाना है और इस लोई की बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए सूखा आटा लगा करके मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है, इसे एक साइड रख लेना है। और अब यहाँ पे मैंने वाइट लोई ली है और इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है, इसे भी एक साइड रख लेना है। और अब हमें ग्रीन कलर की लोई लेनी है और इसकी भी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। फ्रेंड्स, रोटी की थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ग्रीन रोटी रखनी है नीचे, इसके ऊपर वाइट रोटी को ओवरलैप कर देना है। ये देखिए अच्छे से इसे चिपकाना है। फिर इसके ऊपर हमें ऑरेंज रोटी रखनी है, इसे भी अच्छे से ओवरलैप करना है और अब इसे हमें एक बार फैला लेना है और फिर इसे रोल करना है, यानी इसकी और बड़ी रोटी बेलनी है। और ये देखिए हल्के हाथों से मैंने इसे फैला लिया है और इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो अब हमें क्या करना है, एक साइड से उठाना है और इसे रोल कर लेना है और अच्छे से दबाते हुए इसे थोड़ा लंबा करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे लंबा कर लिया है और अब कट करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है और अब इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कट करने हैं जितने बड़े आपको समोसे बनाने हैं। इसी तरह से रोल को कट करके इसकी लोई बनानी है जिससे हमें समोसा रेडी करना है। तो ये देखिए इसे कट कर लिया है मैंने और अब एक पीस उठाना है, इसे हमें बेल लेना है और इसे हमें ओवल शेप में बेलना है। जिस तरह से हलवाई समोसे बनाते हैं हमें इसे उसी तरह से बनाना है। तो अब इसे हमें बीच से कट कर लेना है और कट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसके समोसे बनाने हैं। तो पहले एक साइड पानी लगाना है और फिर दोनों साइड को चिपका करके अब इसमें हमें फिलिंग डालनी है।
समोसे बनाने के लिए मैंने कोन रेडी किया है, इसके अंदर फिलिंग डाली है, फिर इसमें मैंने एक दो पनीर के टुकड़े भी डाल लिए हैं और अब इसके ऊपर पानी लगाना है और इसे इस तरह से चिपकाना है। ये देखिए बीच में मैंने थोड़ा सा इसे ओवरलैप करते हुए चिपकाया है और इसी तरह से कोन बना करके फिलिंग डालनी है और फिर पानी लगा करके इसे चिपका लेना है। तो ये समोसा रेडी है, तो चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ये समोसे हमारे रेडी हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है, गरम करने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देनी है, फिर इसमें एक एक करके समोसा डालना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में और इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड, बेहतरीन ट्राई कलर समोसा हम घर में बना सकते हैं जिसका टेस्ट भी ऑसम होगा और देखने में भी ज़बरदस्त लगेगा, बच्चे भी आपके खा के खुश हो जाएंगे। ये गर्मा गर्म ट्राई कलर समोसा हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ, आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे ये ट्राई कलर समोसा बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाइए, यकीन मानिए बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।